हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रिमेकर। दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड में पैनल है और इसमें हमको वर्टिकल ड्रॉप डालना है। से वर्टिकल डाल दिया है, लेकिन लिंक करना है हमको ये वाला रेशियो में। ओके, ये वाला रेशियो इधर गलती से चला गया है क्योंकि इधर पैनल का पहला लोकेशन था, लेकिन इसका लोकेशन अभी इधर है। हम नीचे का देख सकते हैं, इधर कुछ ऐसा टाइप का डाल दिया है, वो कटिंग भी कर दिया है नीचे का, और ऊपर का लेके आके हमको ऐसे बैंड बना के, डबल बैंड बना के इसमें फिर लिंक करना है। लिंक करना मतलब इधर भी एक बैंड बनेगा। ओके, तो उसको क्या करेंगे, अभी नीचे इसका मेजरमेंट मैं ले लिया हूँ, बाद में अभी बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे को चाहिए था हाइट जितना, वही हिसाब से मैं कुछ मेजरमेंट कर दिया है, जो कि एक 90 डिग्री बनेगा 40x40x करके। ओके, तो ये मैं 75mm रखा है और ये 144mm रखा है, जो कि 100mm कवर करेगा बल के, और एक ये 50mm का रेशियो है। ओके फ्रेंड्स, 50mm का रेशियो के लिए हमको 21+21mm करके काटना है, तो 45 डिग्री बनता है और एक 45 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। और बीच में हमको और लेंथ चाहिए 435mm, जो कि बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि 435mm यहाँ से होना चाहिए। ओके, और थोड़ी देर के बाद हमको एक बैंड बनाना है। ओके, तो एक कुछ सिंगल कटिंग में हम ये 90 डिग्री बैंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों बैंड कैसा टाइप का हम बनाते हैं, ये कटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसका भी मेजरमेंट थोड़ा देख लीजिए, ये 300 का रेशियो है। थोड़ा मेजरमेंट टेप में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये 300 का है। तो मैं दोनों आई पकड़ो थोड़ा, तो ये 100mm से हम पकड़ा है, देख सकते इधर। ओके, 100mm से तो 700 हो रहा है, 100 माइनस कर दीजिए 600, 600 से देख सकते यहाँ पर मैं 3mm कम किया है। ओके, तो वो 3mm किस लिए, क्योंकि ये जो प्लेट का ये बैक साइड प्लेट कटिंग नहीं होता है, इसीलिए ये 1.5mm करके प्लेट के लिए माइनस किया है। तो ये बैंड कटिंग करने के बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं, और डबल बैंड का भी मेजरमेंट कितना फर्क हो रहा है वो भी हम बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए, और उसमें भी 3 बैंड हम बना सकते हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन बन जाएगा। अभी प्लेट इधर नहीं है, और जो छोटा पीस बचा था उसी में हम बनाने को कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये कटिंग हो गया हमारा, और यहाँ पर जो कि 21 mm करके वो निकल दिया, और यहाँ पर ये 298 करके निकल दिया। तो यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से है। और ये साइड वाला हम क्या किया, इसको यहाँ से बेंड करके घुमाएगा, जो कि देख सकते ये इधर तक काटना चाहिए था, लेकिन मैं इधर तक कटिंग किया 50mm करके किया, और ये यहाँ से यहाँ 72mm रखा है, जो कि जाके वहाँ पर मैच हो जाएगा। ओके, तो हम फोल्ड करके दिखा लेते हैं, और इसको फाइलिंग करना वो बाकी है। तो हाँ मंटू, उसको फोल्ड कर, उसको उठा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैंड बन गया है। एंगल, राइट एंगल दे दो, थोड़ा इधर दिखा देता हूँ। चिपका चिपका,
ये एक्यूरेट बैंड बन गया है, देख सकते हैं। ओके, अरे गैप भी मर गया, देख सकते हैं। पर थोड़ा बहुत है वो जो मालूम नहीं चलेगा। और आपको यहाँ बता दूं कि ये 72 mm जो लिया था, ये 72 mm, ये उठाने के बाद इधर टच होगा। ओके, तो मंटू इसको उठा, उठाओ उठाओ उठाओ, देख सकते हैं। तो पेंट कुछ इस तरह से आप भी बनाइए जो कि एक्यूरेट से हो जाएगा। और ये जो सेंटर का गैप दिख रहा है, इधर एक पीस ही हम मेजरमेंट में कटिंग करके इसको होल्डिंग कर देंगे। ओके, तो उसको पेंट करो। ये हथौड़ी ले आए, जल्दी ले क्या हथौड़ी। हाँ, तो इसका काम हम बाद में करेंगे, थोड़ा आपको दिखाना था इसलिए यही कर रहे हैं। इसको फोल्ड करो, तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी राइट एंगल लगा लगा, ये थोड़ा गैप हो रहा है, कोई कोई जगह नहीं वो है। तो फ्रेंड्स 42 mm का कटिंग किया था, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आप आपके हिसाब से कटिंग करिएगा। अरे ये वाला ऐसा हो गया है, तो हमको मेजरमेंट अभी वो राइट एंगल से यहाँ पर चाहिए था। ओके, 435 वो हो रहा है नहीं चेक करेंगे अभी। मेजरमेंट टेप दे दो मंटू, निकालो निकालो निकालो। ये थोड़ा प्रेस करके पकड़ो, टच करो। हमको यहाँ से 435 चाहिए था, थोड़ा फोल्ड करो। ऐसे थोड़ा है, तो फ्रेंड्स वो देख सकते 40 हो गया, 5 mm बढ़ गया, इसमें कोई बात नहीं है, बढ़ा नहीं। इधर अभी 2-3 mm हम जो कटिंग किए हैं वो भी होते हैं, 2-3 mm बढ़ा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फैब्रिकेटिंग काम में ऐसे थोड़ा बहुत होता है। और ये जो डबल कटिंग, ये तो थोड़ा बहुत नहीं होगा, जितना कटिंग किया होगा उतना होगा, इसमें थोड़ा होता है। ओके, आप उसको बारीक से चेक करेंगे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी बेंड बन गया, इसको अभी होल्डिंग करके वहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर कैसे लगाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं, स्पॉट लगा लिया है चारों तरफ, अभी ये भी, ये साइड में भी दिया है, इसमें भी दिया है, थोड़ा किधर किधर गैप रह गया। ओके, जल्दी जल्दी करने की वजह से ऐसा हुआ, ये भी थोड़ा है, ये बराबर हो गया। और बाकी ये जो होल को हम एक पीस कट करके वेस्ट पीस से लगा लेंगे। और ये हम लगाने वाले हैं, अरे तो मंटो, तो इसको हम कुछ इस प्रकार का लगाने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। लगाने के बाद यहाँ से ऑफसाइड करके इसको मिला लेंगे। ओके, तो एक ऑफसाइड आएगा तो इधर की तरह आएगा, बाकी उधर आएगा, इसे मेजरमेंट के हिसाब से।
और ये सभी को हम नॉट बोल्ट करेंगे क्योंकि बाद में कभी रिमूव करना तो चाहेगा तो रिमूव भी कर सकते हैं। ले लो मंटू। और ये कंप्लीट होने के बाद तो फिर और एक बार हम आपको दिखाएंगे ये काम कैसा रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वायर जाने के लिए हम डायरेक्ट कटिंग कर दिया। इधर एक केबल आने वाला है, थोड़ा सा रखा है जो कि ग्लैंड होने वाला है। ओके, और इसका फ्लैट भी लिंक कर दिया। फ्लैट लिंक इसलिए कर दिया क्योंकि बाद में ये बैंड लगाने के बाद इसके ऊपर वेल्डिंग जो कि नहीं कर सकते, वो बैंड बन वो थोड़ा क्रिटिकल वाला काम था। ओके, ये थोड़ा कर दिया। अभी इसको सिल्वर पेंट मार दिया जाएगा थोड़ा चिपिंग करके। अभी वो पीस लगाते हैं। हाँ, कर दिया। नॉट बोल्ट थोड़ा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली स्टेज में हमारा कुछ इस तरह का बन गया है, देख सकते हैं। इधर ये इधर ले के आके यहाँ पर मैं ऑफसाइड स्टार्ट कर दिया। ओके, इसके साथ मिलाने के लिए बराबर से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से देख सकते बाकी ये इलेक्ट्रिकल रूम का इस तरफ टीवी का भी काम चल रहा है, देख सकते हैं। ये अब्दुल ने ही किया है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेज है, सभी देख सकते हैं यहाँ से ड्रेसिंग हो गया, कुछ केबल ऊपर गया है और ये पूरा बनने के बाद हमें दिखाएगा फिर लास्ट में। आशा करते कि दोस्तों आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जब सीखने को मिला है तो लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ज्यादातर हम ट्रेड रंगिंग से रिलेटेड वीडियो ऐसे लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे और नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।